भारतीय फिल्मों की ऐसी एक्ट्रेस जिनकी सादगी और भोलापन उस टाइम पर दर्शकों का मन मोह लेता था, जो भी उन्हें देखता था बस उन्हें देखता रहता। वो एक पढ़ी लिखी अभिनेत्री थी और उनका चेहरा देखने में इतना सुंदर था, वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि कोई किसी बड़ी फिल्म स्टार से वो कम नहीं दिखती थी। दोस्तों, आज भी जब पुरानी फिल्मों की बात आती है तो लोग इनको याद करना कभी भी नहीं भूलते हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा बहुत सारी अन्य भाषाओं में भी काम किया है, भारतीय भाषाओं में काम किया, और अपनी अदाकारी का जलवा ऐसा बिखेरा कि देश भर में वो सुपरहिट हो गई। पा गई हूँ प्यार की सौगात, लेकिन लेकिन डरती हूँ इस तरह अकेले में हम कब तक मिलते रहेंगे। जन्म जन्म तक दुनिया। क्या वजह थी कि इतनी बड़ी हीरोइन होने के बावजूद भी वो टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई, जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, इतिहासकार। राधा सलूजा फिल्म संपादक रेणु सलूजा की छोटी बहन है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं राधा सलूजा की, ब्यूटीफुल राधा। राधा सलूजा का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1954 को दिल्ली में हिंदू खत्री परिवार में। परिवार फिल्मों से ताल्लुक रखता था। इनके भाई एच एल सलूजा एक्टर और फिल्मकार हुआ करते थे। एच एल सलूजा ने साल 1986 में बनी फिल्म खामोश और 1983 में परिंदा और साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के निर्माण में उनके सहयोग के लिए भी खास भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इन्होंने अपना सफर शुरू किया था 1970 में और इनका फिल्मी सफर 1960 से शुरू होकर 1983 तक चला। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये साल 1990 तक फिल्मों में सक्रिय रहा। दोस्तों, राधा सलूजा का असली नाम राधा सलूजा नहीं था, असली उनका नाम रीता था, जिसे बाद में फिल्मकारों ने बदल दिया। उन्होंने अपने शुरुआती दौर की दो फिल्मों में अपने असली नाम से भी काम किया था। उनमें से पहली फिल्म आई थी 1967 में, जिसका नाम था मोहब्बत और जंग। इनकी दूसरी फिल्म राखी थी जो 1969 में रिलीज हुई थी। दिल का नजराना ले ओ दिल साथ ले, ये सच्चा प्यार है। राधा सलूजा फिल्मों में अपना बहुत नाम कमाना चाहती थी, उनका सपना टॉप की हीरोइन बनने का था, मगर अफसोस कि ऐसा हो ना सका। फिर भी इन्होंने अपनी अलग अलग भाषाओं में जैसे तैसे पंजाबी, तमिल, बंगाली, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की पूर्व छात्रा भी रही हैं। राधा ने फिल्म दो राह से अपना डेब्यू किया था। 1971 में फिल्म आई थी लाखों में एक, उसका नाम था और उसमें एक गाना था चंदा ओ चंदा, इन्हीं पर वो गाना पिक्चराइज किया गया था, जिसको लता मंगेशकर ने गाया था और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, जो उस दौर का सुपरहिट गाना था। ये गाना तो बहुत हिट हुआ था, लेकिन असली पहचान इनको इस गाने से नहीं मिली थी। इनको असली पहचान मिली थी 1973 में आई फिल्म चालाक से। इसी फिल्म से हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेता जीवन के बेटे किरण कुमार ने अपना डेब्यू किया था। ओह नो, मुझे सारे से सख्त नफरत है, मुझे हर इंडियन लिबास से नफरत है। तुम्हें मोहब्बत किस चीज से है? उस धोखेबाज से जो तुम्हारे 5 लाख पे हाथ साफ कर गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? दोस्तों, राधा और किरण पर पिक्चराइज किया हुआ एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ। ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है। इसी साल किरण के साथ इनकी एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था आज की ताजा खबर। ये फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन इस फिल्म के लिए असरानी ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था, उनको बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ये दोनों फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इसका नुकसान किरण कुमार को। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं, चालक फिल्म का एक गाना था जो उस दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा एक गीत, जिसको संगीत से सजाया था संगीतकार गणेश ने और फिल्म का निर्देशन किया था आर के बैनर्जी और टी एन शर्मा ने था। आइए वो गाना देखते हैं। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल की निशानी ले,
फिल्म में इनके साथ और भी बड़े कलाकारों ने काम किया था, जैसे अजीत, डैनी, प्राण और जगदीश राज आदि। इंदीवर के लिखे हुए इनकी फिल्म दो राह के गाने भी दर्शकों को बहुत पसंद आए थे। मेरी बकिया के करे तो सदा ही खिलना। दोस्तों, गीतकार इंदीवर का लिखा गीत और सपन जगमोहन के संगीत से सजा ये गीत तुम रहनुमा हो मेरी जिंदगी के आशा जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। फिल्म दोरा का ये गीत भी इंदीवर का लिखा हुआ सपन जगमोहन के संगीत से सजा ये गीत डोले झुमका मेरा बोले प्यार कंगना आशा जी की आवाज में ये गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। राधा सलूजा की साल 1973 में आई फिल्म एक मुट्ठी आसमान का एक गाना लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था दोस्तों, जिसके बोल थे प्यार कभी कम ना करना सनम। फिल्म एक मुट्ठी आसमान में विजय अरोड़ा और योगिता बाली के साथ राधा सलूजा भी थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बहुत अच्छा काम किया था, जिनके ऊपर यही गाना फिल्माया गया था। फिल्म के डायरेक्टर थे वीरेंद्र सिन्हा। इसी नाम से भी एक टीवी सीरियल जी टीवी पर साल 2013 में दिखाया गया, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। ये साउथ के डायरेक्टर एम जी रामचंद्रन के साथ अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती थी। तमिल में बनी एम जी रामचंद्रन की दो फिल्में इथा याकनी 1975 में आई थी और इंदू पोल एंड्रिम वाझगा 1977 में, दोनों फिल्में तमिल में ब्लॉकबस्टर रही थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म टाइगर 1979 में ये फिल्म आई थी, इसमें एन टी रामा राव और रजनीकांत के साथ भी अभिनय किया था। के दशक की शुरुआत में आज की ताजा खबर और पंजाबी फिल्म मन जीते जग जीत और दुख भंजन तेरा नाम। दोस्तों, मन जीते जग जीत भारत में एक सिखों की धार्मिक फिल्म थी। इस फिल्म में बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था, जैसे धर्मेंद्र, सुनील दत्त, दारा सिंह और ओम प्रकाश आदि। इन्होंने एक और पंजाबी फिल्म दुख भंजन तेरा नाम में सुनील दत्त के साथ काम किया था। साल 1973 में शेरनी, 75 में मोरनी और 75 में ही आई मित्तर प्यारे नू कुलवंत, डेरानी जेठानी आदि पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। एक नहीं, दो नहीं, दसियों देखने वाले आते हैं, मजे से नाश्ता पानी उड़ाते हैं और मुंह पोछते हुए चले जाते हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। नहीं देखते तो ना देखे, मुझे फिक्र पड़ी है तेरे हाथ। दोस्तों, अगर इनकी हिंदी फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी चर्चित फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया, जैसे शिमला रोड, दोराहा, लाखों में एक, हार जीत, मानवता, चोरी चोरी, आगे बढ़ो, एक मुट्ठी आसमान, चालाक, आज की ताज़ा खबर, वही रात वही आवाज़, जीवन संग्राम, गाल गुलाबी, नैन शराबी, अली बाबा, जय द्वारकाधीश, अभी तो जी लें, जाएँ तो जाएँ कहाँ, सजाए मौत, मेला आंचल, रजिया सुल्तान, बनाना ब्रदर्स, इनमें से तो बहुत सारी फिल्में हिट भी हुई हैं और कुछ फिल्में ब्लॉकबस्टर भी रही और कुछ फिल्में चल भी नहीं पाई। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने फिल्मों में काम ना मिलने की वजह से अमेरिका के लॉस एंजलिस जाना ज़्यादा अच्छा समझा, वो वहीं चली गई। वहाँ पर उन्होंने रेडियो कार्यक्रम के मेज़बान शमीम जैदी से शादी की और अमेरिका की नागरिकता पा ली, वो वहीं रहने लगी। वहाँ उन्होंने दो म्यूजिकल ग्रुप के साथ एक गाना भी गाया जो पूरे अमेरिका में उस ग्रुप द्वारा फेमस हो गया था। वहां रहते हुए उन्होंने नौकरी की और यूएसए में ही रहने के दौरान उन्होंने लॉस एंजलिस कोर्ट में एशियाई भाषाओं के लिए विशेष दुभाषिया के रूप में संघीय कानून सेवाओं के साथ काम भी किया। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जब वो सलवार कमीज पहनकर जाती थी तो उनको देखकर लोग मुस्कुराते थे, खुश होते थे। उनका भारतीय पहनावा वहां के लोगों को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट पहनावा देखा था उन्होंने। तुम्हारा नाम? दोस्तों,
दोस्तों इनकी बड़ी बहन रेनू सलूजा ने भी अभिनेत्री के तौर पर बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इनकी शादी जाने माने फिल्म डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा से हुई थी और बाद में इनसे रेनू का तलाक हो गया था। इनकी दूसरी शादी फिल्मकार सुधीर मिश्रा के साथ हुई है। दोस्तों वैसे राधा सलूजा ने विधु विनोद चोपड़ा के साथ 1981 में जो फिल्म उन्होंने बनाई थी उसमें काम किया था, सजाए मौत, उसमें वो नजर आई हैं। विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित इस फिल्म सजाए मौत में लोगों ने इनको बहुत पसंद किया था। यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी। आजकल वो अब क्या कर रही है इस बारे में किसी भी मीडिया में कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये थी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस राधा सलूजा के बारे में जानकारी। हमें उम्मीद है आपको इनकी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। और प्लीज़ हाँ, जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें हिम्मत मिलती है। थोड़ा इतना तो हम डिज़र्व करते ही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हम फिर मिलेंगे आपसे। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।